this? This call is now being recorded. एक मिनट बस बच्चे, है ना? ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या देख रहे थे। हम देख रहे थे, ये सभी बच्चों को पता है मेरे, मुझे पता है, बट फिर भी हम देख लेते हैं एक बार जो जल्दी से कि बच्चे आपको अगर स्पीकर ऑन करके नहीं बोलना है तो कैसे बोलना है। बच्चे आपको क्या करना है, तीन डॉट पे क्लिक करना है और आप क्या करोगे, इस बॉक्स में पहुंच जाओगे, यहाँ पर एक इनकॉल मैसेज करके होगा, ठीक है। इनकॉल में जाके आप सभी बच्चे अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। अगर आपको समझ आ जाता है तो मैंने बताया था आपको यस नहीं लिखना है, आपको सिर्फ वाई लिखना है। और नहीं समझ आया या मैं किसी चीज के लिए पूछती हूँ कि नो लिखो तो एन लिखना है। ऐसा क्यों करना है, इससे बच्चों को ज्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, आपका टाइम बचेगा टाइपिंग का। तो वाई और एन हमेशा ये क्लास में याद रखना है। दूसरी चीज बच्चे क्या ध्यान रखनी है, पोल का। अब पोल क्या है, मैंने सभी बच्चों को बताया था कि आपको क्या करना है, तीन डॉट पे जाना है और एक्टिविटीज में जाना है, उसके बाद आप पोल्स में पहुंच जाते हैं। आप पोल्स क्या है, मैंने बताया था कि आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, जो भी मैं बोलती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में जाके करना है। इसका ए बी सी डी में से आपको जो भी आंसर सही लगता है आप उसका आंसर पोल में जाके करोगे। तो आप क्या करोगे, तीन डॉट पे दबाओगे, एक्टिविटीज पे आओगे, फिर आप यहाँ पहुंच जाओगे, फिर इसे दबाओगे तो ये वाली नई स्क्रीन खुल के आ जाएगी आपके पास। और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में से आपको जो सा सही लगता है, जैसे बी ठीक लगता है आप बी दबाओगे और वोट कर दोगे, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, कोई बच्चा ऐसा बच्चा है जिसको पोल के बारे में नहीं पता हो, जल्दी से बता दीजिए। अगर समझ आ गया यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चे बेसिक रूल है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए मेरे क्लास के। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही, यस ओके गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अध्याय जीरो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, हम पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, हमने क्या पढ़ा था, टेबल्स पढ़ी थी, हमने देखा था पहाड़ों का आधार क्या होता है, जोड़ होता है, है ना। हमने देखा था दो प्लस दो प्लस दो कर रहे हैं तो भी छह हो रहा है, और दो तिया छह कर रहे हैं, दो तिया कर रहे हैं तब भी छह हो रहा है। तो किसी भी पहाड़े का आधार हमने देखा था क्या होता है बच्चे, जोड़ होता है, क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है, ये चीज हमने अभी तक देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, वो अंक जो एक यहां से होता है, अगर एक है, तीन है, पांच है, सात है या नौ है, ये अंकों से बनी संख्याएं जो होती है। हाँ बच्चे वही मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, बस वही चल रहे हैं, पजल पे ही चल रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। और सम संख्या क्या होती है आपकी, जो आपके पास क्या हो, जीरो दो चार छ आठ, अगर इन अंकों से बनी संख्या होती है उसे विषम कहते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या बच्चे, किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पर शून्य ही प्राप्त होता है, ठीक है बच्चे। जीरो से किसी भी संख्या को हम गुना करते हैं, जैसे हमने 25 को किया तो हमें जीरो ही मिलेगा, ये हम सब पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है बच्चे। ये मैंने पजल सभी बच्चों को होमवर्क में दी थी, जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी ए बी सी डी के आंसर क्या है, सभी बच्चे आंसर लिखेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि क्या सभी ने आंसर सही किया है नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। सभी को स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था मैंने, किया है सभी ने होमवर्क, जल्दी से कीजिए चैट सेक्शन में आंसर, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, ठीक है, नहीं किया, ठीक है, आ रहे हैं बच्चों के आंसर। हाँ जी देख लेते हैं हम, देखो बच्चे हमने देखा था, सभी बच्चे देखेंगे किस सभी ने अगर करा है ये,
तो अपनी नोटबुक में अगर नहीं किया बच्चे तो जल्दी से कर लीजिए और मैं आपको आंसर बताती हूँ, फिर देखना आपके सही है या नहीं। हमने ए को 2 से गुना किया तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें 10 मिलना चाहिए, तो मुझे किससे गुना करना चाहिए, 5 से, है ना। 5 की गुना 2 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10। तो ए हो गया आपका 5। फिर 10 की गुना 0 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। किसी भी संख्या की गुना 0 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0। हाँ जी। फिर हमने देखा कि अगर मैं सी की गुना 7 से करूंगी तो मुझे 21 मिलना चाहिए, राइट बच्चे। अगर मैं सी की गुना 7 से कर रही हूँ तो मुझे 21 मिलना चाहिए, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 3 सत्ते 21 होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 कर दिया। 7 की गुना 1 से 21 की गुना 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 21 को, एक किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पे हमें क्या मिलती है, वही संख्या। यस, बहुत बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, 21 आ जाएगा। फिर क्या है, e की गुना 6 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 6 24 होता है, तो e आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अब 24 की गुना 0 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो f हो गया आपका 0। क्या इसमें कुछ, इस पजल के अंदर किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए यस और नो। समझ आ गया तो यस लिख दो, अगर कोई डाउट है तो नो लिख दो। समझ आ गया तो यस लिख दो, कोई डाउट है तो नो लिख दीजिए। सभी बच्चे लिखेंगे ताकि मुझे पता लग पाए कि मेरे क्लास के सभी बच्चों को सब समझ आ रहा है ना। ओके ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने सभी बच्चों को कहा था कि आप 6 से 10 तक के पहाड़े पढ़ के आना, ठीक है। चलो फिर अब देखते हैं कौन कौन बच्चे मेरी क्लास के पढ़ के आया था, ठीक है। मैं पूरा पहाड़ा नहीं, बीच बीच में से किसी भी बच्चे से पूछूंगी, वो बच्चा मुझे चैट सेक्शन में आंसर देगा, ठीक है। क्या करेगा, वो मुझे चैट सेक्शन में आंसर देगा, ठीक है। चलिए चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अंजू सेन की आईडी से जो बच्चा है ना, बच्चा अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि 6 छक्का क्या होता है। गुड 36 गुड। और 6 सत्ते, 6 सत्ते बच्चे आप ही बताओगे, 6 सत्ते गुड, 42 6 अट्ठे 48 गुड, 6 54 ठीक है गुड। 6 2 60 तो हम इसे और कैसे कर सकते हैं, अगर आपको याद हो हमने क्या देखा था कि अगर मुझे 6 छक्का याद है, 6 छक्का 36 होता है, 6 सत्ते 42 नहीं यार, तो मैं क्या करूंगी, प्लस 6 कर दूंगी, है ना बच्चे। ये भी हमने पढ़ा था और हमने एक चीज और पढ़ी हुई है कि मैं 6 छक्का 36 कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, 6 को 6 बार जोड़ रही हूँ। तो ये चीजें भी दिमाग माइंड में रखनी है सभी बच्चों को कि हम किसी भी पहाड़े में कई तरीके से उसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले बच्चे पे चलती हूँ, अगला आगे चलो देख लेते हैं। आगे हम मोनिका यादव की आईडी से जो बच्चा है, मोनिका यादव की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा अपने आप को अनम्यूट करो और 7 का टेबल। हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए। कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो चैट सेक्शन में सभी बच्चे अपना टेबल लिख दो, 7 का 8 का टेबल लिख दो सभी बच्चे, जल्दी से लिख दो जिन बच्चों को आता है। 8 का टेबल 7 1 7 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
म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज डिस्टर्ब कर रही है मैम, आप पूछ लो। हाँ एक मिनट, हाँ बच्चे एक मिनट, जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं, ठीक है। चलो कौन से बच्चे से लेते हैं हम, ये नरेश कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे अपने आप को अनम्यूट करो, 7 का टेबल, 7 का बहाड़ा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, 7 15, 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 72, 7 70। गुड, मतलब मेरी स्पीड लिखने की स्पीड से भी ज्यादा बच्चे ने बता दिया। गुड बच्चे, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 8 का टेबल, 8 का टेबल, 8 का टेबल, गुड। विष्णु की आईडी से बच्चा उसने लिख भी दिया। गुड बच्चे, गुड, मतलब सभी बच्चों को आता है। चलो
एक बच्चे से और पूछती हूँ। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब मेरी क्लास के सभी बच्चों को आते हैं। ये प्रशांत शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा 9 का टेबल, प्रशांत शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, 9 1 9 9 2 18 9 3 20 7 9 4 35 हम्म, 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 हाँ 9 8 72 हाँ 9 9 81 9 10 19 गुड बच्चे गुड। यानी कि मेरी क्लास के ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आते हैं 6 से लेकर 10 तक के पहाड़े। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ना कुछ कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आती होगी, मतलब उनको ये तो पता होगा 9 9 7 63 होता है ना, 9 7 63 होता है, लेकिन 9 8 नहीं पता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 9 7 63 है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 9 और जोड़ दूंगी है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, 72। बेहतर। हाँ गुड गुड गुड। चलिए, अगर जिन बच्चों को नहीं याद है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो। बच्चे याद कर लेना क्लास के बाद, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों को नहीं याद है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कर दीजिए सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सभी बच्चे इस पजल को इसको करेंगे, ठीक है। अगर मैं जल्दी से, आप कैसे करोगे, ए का आपका आंसर क्या है, दो का कौन सा है, तीन का कौन सा है, चार का क्या है, पांच का क्या है, ठीक है। ऐसे आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है। स्टार्ट कर दो बच्चे, सातिया ABCD में से जल्दी से चैट सेक्शन में लिखना स्टार्ट करो 21 बच्चे। नियम नहीं भूलने, क्लास के नियम नहीं भूलने, ठीक है। आपको चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में सभी बच्चों के आंसर आ जाते हैं। मैं सबका एक एक देखती हूँ कौन से बच्चे ने क्या आंसर किया था। चलो गुड गुड, बिल्कुल सही। ए का बिल्कुल सही बताया सभी बच्चे ने, 7 3 21। बी का बताओ, 8 6। गुड गुड गुड, आ रहे हैं आंसर, आ रहे हैं आ रहे हैं, गुड। 6 8 तो भी कितना होगा, 48, क्योंकि मैं आगे पीछे लिख दूं तब भी तो उतना ही रहेगा। गुड बच्चे। नो निम, 4 का नो निम, गुड इक्यासी गुड। इक्यासी बच्चे चैट में, बच्चे चैट में लिखो है ना, और बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे। मुझे पता है मेरी क्लास के सभी बच्चों को आता है। 77 49 7 7 49, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। चलो गुड बच्चे, गुड 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 गुड, सभी बच्चों का सही है, बिल्कुल सही, सभी को आता है, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चे, अब मैं है ना आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, आपको करना है पोल के अंदर, ठीक है। पोल में जाओगे, पोल में आंसर करना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ना पोल नहीं दिख रहा होगा, तो वो क्या करेंगे, जब मैं चैट ऑफ ऑन करूंगी ना दोबारा से, तब आप चैट में आंसर करना। बाकी जिसको पोल सबको दिखेगा वो पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। चलो मैं देख लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि आपको सही आंसर का बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। सभी बच्चे कहाँ करेंगे इसका, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। पोल सेक्शन में जाके सभी बच्चे आंसर करेंगे। आप जाओगे पोल में, आपको पोल दिखने लग जाएगा। मैम पोल चल नहीं रहा है। नहीं बच्चे चलेगा, देखो आप चल रहा होगा, अगर सबको पोल नहीं चल रहा, देखो अभी बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चन, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी का वेट कर रही हूँ। मैम हो गया। हाँ अच्छी बात है बच्चे, मेरे को दिख रहा है जिन जिन बच्चों को, और सभी बच्चे करेंगे आंसर है ना, खो गया मैम। अच्छी बात है बच्चे, मुझे दिख रहा है जिनका हो गया वो वेट करो है ना, जल्दी 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 सभी बच्चे करेंगे और बच्चे भी करेंगे। 48 बेटा माइक पे नहीं बताना है, बाकी बच्चे आपका आंसर सुन लेंगे ना, जिनको पता भी नहीं होगा वो भी सुन लेंगे। तो आप अपना आंसर मेरे पास आ गया है, जिस बच्चे ने दे दिया, और भी देंगे, 3 मिनट 3 सेकंड और देती हूँ मैं, 3 2 1। गुड गुड, चलो अब जिस बच्चे का पोल नहीं चल रहा था ना, वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे चैट में आंसर कर देंगे, ठीक है। कोई बच्चा है ऐसा जिसका नहीं चल रहा था, वो चैट में आंसर कर दो, जल्दी से कर दो, जल्दी से आंसर कर दो चैट में।
गुड गुड। चलो ये सबको पता है 8 6 कितना होता है 48, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नहीं बच्चे 48 बी 48 है, 49। हाँ बिल्कुल सही, टाइपिंग मिस्टेक कर दी थी। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब एक और पजल आई है, सभी बच्चे इस पजल को सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में कि मैं। हाँ बच्चे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका भी आंसर। ठीक है 5 की गुना 2 से करूंगी तो मैं ए में क्या आएगा, चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। और अच्छा बेटा चैट सेक्शन में बिल्कुल सही 10 आएगा, और 10 की गुना जब हम 4 से करेंगे तो क्या आएगा चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका आंसर आ रहा है 40। बिल्कुल सही 10 और 40, गुड गुड। चलो अगले पे मूव करते हैं। अगला है अगर आप 6 सी की गुना 5 से करोगे तो आपका 10 आना चाहिए। सी क्या होगा, सी क्या होगा, 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना, सभी का आंसर आ रहा है। अच्छा 10 की गुना 8 से करेंगे तो डी में क्या आएगा, जल्दी से आंसर करो। गुड सभी के आंसर आ रहे हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है मेरी क्लास के। गुड गुड गुड, हाँ बिल्कुल सही कि 10 की गुना 8 से करेंगे तो क्या होगा 80। बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, E की गुना जब हम 3 से कर रहे हैं तो मुझे F मिल रहा है। ठीक है फिर F की गुना अगर मैं 3 से कर रही हूं तो मुझे 27 मिल रहा है, तो मुझे पहले यहाँ पर क्या मिलेगा, E और F, हमें यहाँ पर F मिलेगा पहले कि मैं F की गुना 3 से कर रही हूँ तो मुझे, एफ नो हाँ तो F की गुना जब 3 से कर रहे हैं तो मुझे 27 मिलना चाहिए, तो मुझे पता है कि F क्या होगा 3 होगा, 3 3 9, 3 होगा, 3 3 सॉरी कितना होगा, कितना होना चाहिए 9 होगा क्योंकि 9 3 नो 27 है ना, तो 9 आएगा आपका F। अब क्या होता है E कितना होना चाहिए, अब तो पता लग जाएगा E कितना होगा 3 होगा क्योंकि 3 3 9 होता है। तीन हाँ बिल्कुल सही, तीन हाँ तीन चलिए। हाँ जी बच्चे बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए किसी बच्चे को इस पजल को सॉल्व करने में क्या कोई डाउट है, अगर सब एक बच्चे नो मैम सवाल समझ आ गई है पजल तो यस टाइप कर दो, नो मैम किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो नो नो टाइप, कभी डाउट रह जाता कि सभी को समझ आ गया तो यस टाइप कर दो, और कोई डाउट है तो मुझे नो लिख दो, मुझे समझ आ जाएगा। कौन बच्चे को समझ नहीं आया, वैसे सभी बच्चों ने आंसर करेक्ट किया है, कोई बच्चा, सभी को समझ आ गया है। यस मैम बच्चे मैसेज में, हाँ बच्चे गुड गुड गुड, सभी को समझ आ गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 11 का 11 का पहाड़ा, सभी को आता है 11 का पहाड़ा, और सबसे इजी होता है ना 11 का पहाड़ा, सभी के सबसे इजी होता है, कुछ नहीं करना होता हमें। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पंजे 45, 55, 11 छक्के 66 है ना, सभी को ये पहाड़ आता है। अच्छा रविंदर कुमार की आईडी से बच्चा, बच्चे आपको समझ नहीं आया क्या, बच्चे अगर नहीं आया तो मुझे बताइए, अब आप यस लिख रहे हो, कोई डाउट है क्या। बच्चे आपके सारे मैसेज मैं पढ़ती हूँ तो अगर है, अच्छा ठीक है नहीं है, ओके। देखो बच्चे अभी तक हमने पढ़ा है जैसे पहाड़ों का आधार जोड़ है, जैसे अगर मैं 4 चौके 16 कर, चार जैसे हम 11 चौके क्या कर रहे हैं 44 कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं। यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ आया, हाँ जी बच्चे 11 का पहाड़ा ही लिख दिया, गुड। ठीक है ये सब चीज सब बच्चे को पता है कि अगर मैं 11 पंजे कर रही हूँ 55 है तो मतलब क्या कर रही हूँ, 11 को 5 बार जोड़ रही हूँ, और मुझे 11 पंजे पता है 55 होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता 11 छक्का कितना होगा, तो मैं क्या करूंगी मैं इसमें 11 और जोड़ दूंगी है ना बच्चे, 11 इसमें और जोड़ दूंगी तो जी मुझे 66 मिल जाएगा, गुड। तो ये सभी बच्चों को अब तक समझ आ गया कि किसी भी पहाड़े का आधार जो होता है वो जोड़ होता है, तो हम किसी भी पहाड़ को जोड़ से भी कर सकते हैं और उसको गुना करके भी कर सकते हैं, और अगर मुझे 11 छक्के पता है लेकिन 11 सत्ते नहीं पता है, 11 छक्के 66 होता है, 11 सत्ते नहीं पता, तो मैं कैसे पता कर सकती हूँ, जिसका पहाड़ा है उसको ऐड करके है ना, उसको उसमें जोड़कर।
हाँ जी 77 होगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बता रहे हैं। बच्चे म्यूट रखिए अपने आप को प्लीज, सभी बच्चों से मेरी निवेदन है ना। बिल्कुल सही, हाँ जी बिल्कुल सही। तो 11 का पहाड़ा तो सभी को आता है, ऐसे ही हमारे कैसा हो क्या होता है 12 का पहाड़ा होता है ना। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। अब क्या होता है ना बच्चे, 11 तक तो मोस्टली सभी बच्चों को याद होते हैं पहाड़े, लेकिन उसके बाद ना भूलने लगते हैं बच्चे, है ना, बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। 12 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते भी ना कई बार याद नहीं आता पहाड़ा, कि आपको ये तो पता है कि 12 छक्के 72 होता है, 12 सत्ते याद नहीं आ रहा आपको। तो आप क्या कर सकते हो, जो हमने अभी तक पढ़ा है कि 12 छक्के 72 है, 12 सत्ते क्या होगा, तो हम क्या करेंगे उसमें 12 और जोड़ देंगे, है ना। और इसका मतलब क्या होगा, हमने ये चीज भी देखी है बच्चे, हाँ जी बच्चे बिल्कुल 84 होगा, कि इसका मतलब क्या, 12 को 7 बार जोड़ दो, 12 को 7 बार जोड़ दो, ठीक है। तो बच्चे अपने माइंड में हमेशा आपको ये चीज रखनी है, तो किसी भी पहाड़े का आधार ना जोड़ तो है ही है, और उसको हम गुना करके भी निकाल सकते हैं, जोड़ के भी निकाल सकते हैं। और हमें अगर एक पहाड़े का पहले वाला पता है, उसके बाद का याद नहीं आ रहा, तो मैं उसको उसमें ऐड करके भी निकाल सकती हूँ, है ना बच्चे। हाँ बच्चे बिल्कुल सही, बच्चों ने पूरा पहाड़ा लिख दिया, गुड। तो 12 सत्ते 84, 12 8 96, ठीक है, 12 निम 108, 12 दायम 120, ठीक है। अच्छा जल्दी से बता दीजिए कि सभी बच्चों को 12 का पहाड़ा आता है, यस और नो, यस और नो, चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी, चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में। अरे वाह बिल्कुल सही बिल्कुल सही, मतलब सभी को आता है, yes, ma'am. बहुत बढ़िया है। हाँ बहुत अच्छे बच्चे। देखो अब हमने ना एक चीज सीखेंगे कि 12 के पहाड़े या 12 के बाद वाले पहाड़े को ना हम और एक कैसे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मुझे पता है बच्चे को पहाड़ों को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, मेथड टू फॉर्म अ पहाड़े। बेटा एक बार यस लिख दोगे ना तो भी मुझे समझ आ जाएगा, इतनी बार यस लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप यस यस लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। जोगिंदर तनवर की आईडी से बच्चा जो है, बच्चे आपको कोई डाउट है क्या, क्योंकि आप बहुत देर से हैंड रेस कर रहे हो। हाँ जी कोई डाउट है क्या बेटा आपको, हाँ सही। 12 को अगर मैं 2 से गुना करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, है ना। ठीक है बच्चे, तो फिर ऐसे हैंड रेज मत करो, तो ठीक है। अब अगर और हम क्या कर सकते हैं, 12 को 2 बार जोड़ देंगे तो भी 24 मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कोई अलग तरीका, अलग तरीका क्या है बच्चे, आप क्या कर सकते हो, इस 12 को ना, ये जो 12 है, आप इस 12 को 10+2 लिख सकते हो, उसका मतलब भी 12 ही होता है ना, है ना, 10+2 लिख सकते हो, उसका मतलब भी 12 होता है। और फिर क्या करो आप, इसकी 2 से गुना कर दो। अब 2 से जब हम गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, पूरा ब्रैकेट है, तो मैं इस 2 की गुना 10 से करूंगी और इस 2 की गुना इस 2 से करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, 10 की गुना जब हम 10 की गुना 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 प्लस, यानी कि जोड़ में 2 की गुना 2 से करेंगे 4, तो भी हमें क्या मिलेगा, 20 और 4 24। ये वाला मेथड तरीका सभी को समझ आया या नहीं, जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में, यस और जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में सभी बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो हमने यहाँ पर क्या किया बच्चे, जो नंबर है ना, ये पहाड़े हम कौन से कहाँ पर करते हैं, 11 के बाद वाले में करते हैं। क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास जो भी पहाड़ा है हम उसको 10 प्लस, जैसे 12 का है तो 10+2 लिख देते हैं। कामना कॉस्मेटिक की आईडी से जो बच्चा है ना, बच्चे अगर आप एक बार यस लिखोगे ना वाई, उसका मतलब भी यही होगा, और मल्टीपल टाइम लिखने का मतलब भी वही होगा। तो आप बार बार टाइप करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, पढ़ने में एनर्जी वेस्ट करो बेटा, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से गुना करूंगी तो वाई 20 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, 24 हो गया। चलिए अगर मैं ऐसे ही 13 को 7 से गुना करूं,
जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? चैट सेक्शन में बताइए। अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं क्या लिखूंगी, 10+3 है ना, 10+3 गुना में 7, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 7 की 10 से गुना कर रही हूँ और 7 की ही 3 से गुना कर रही हूँ, तो क्या होगा, 70+21, तो 70+21 कितना बना, 91, है ना? तो हम किसी भी, हाँ जी बच्चे, समझ में नहीं आ जी ये कैसे है। अच्छा मैं बता देती हूँ, देखो एक तो सबसे बड़ी बात, आपको पहाड़े तो याद होनी चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है, पहाड़े का कुछ एक नहीं याद आ रहा, जैसे हमें पता है कि 13-7=91 होता है, ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं वो बता रही हूँ आपको कि आप पहाड़ा कैसे बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, आप क्या करो, जो भी पहाड़ा है उसको 10 करके लिखो, 10+10 में क्या जोड़ेगी, 13 बनेगा, 3, ठीक है, उसको गुना कर दो किससे, 7 से। आप कैसे गुना करेंगे, क्योंकि दो जो संख्या हो गई, तो 10-7 की गुना करो 10 से और 7 की गुना ही करो 3 से, ठीक है, तो जब हमने 10 की गुना 7 से की आपको क्या मिलेगा, 70, और 10 की 7 की गुना 3 से करेंगे तो मिलेगा 7+21, है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10 × 7 + 3 × 7, है ना, तो इससे क्या हुआ, ये हुआ 70 और ये हुआ 21, तो 70 और 21 कितना होता है, 91, समझ आया आप सभी बच्चों को, जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में, ये एक मेथड है जिससे हम किसी भी टेबल को बना सकते हैं, है ना, कि अगर आपको याद नहीं है तो, वैसे सभी बच्चों को याद तो होने ही चाहिए, 20 तक पहाड़े 20-25 तक याद होने चाहिए, बट बीच में कभी होता है कि हमें याद नहीं आ रहा कि 14-7 क्या होगा या 14-5 क्या होगा, 14-8 क्या होगा, अगर ये सभी बच्चों को समझ आ गया है ना, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि 15-5 का करूंगी अगर मैं तो कैसे करूंगी, ठीक है, आपको सॉल्यूशन नहीं बताना है, आपको सॉल्यूशन नहीं बताना है, आपको स्प्लिट जैसे मैंने तोड़कर बनाया है वैसे बनाना है, तोड़कर जैसे बनाया था कि 15 को हम क्या लिखेंगे, 10+5 और उसकी गुना करेंगे 5 से, है ना बच्चे, और फिर क्या करेंगे, 5 की गुना करेंगे 10 से और इस 5 की गुना करेंगे 5 से, तो जब 5 की गुना 10 से करी तो हमें मिला 50, है ना, और इस 5 की गुना 5 से करी तो 25, तो 50 और 25 कितना बना, 75, तो वैसे भी पता है हमें कि 15×5=75 होता है और हम इस रूल से भी कर सकते हैं, सभी बच्चों को समझ आया है, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए मुझे ये तरीका समझ आया है कैसे बनाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी को समझ आया है, कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आया हो तो मैं दोबारा बता दूंगी, जिस बच्चे ने पूछा था आपको समझ आया बेटा, ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा क्या, हमने 15 को तोड़ दिया 10+5 में और 5 से दोनों संख्याओं को गुना कर दे, तो 10 की गुना जब 5 से करी तो हमें मिला, हाँ जी बिल्कुल सही 50, और जब 5 की गुना 5 से किया तो 25 और यहाँ से दोनों को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 75, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बताइए, पहाड़े हैं ये हमारे, है ना, पहाड़े हैं हमारे यहाँ पर 11 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा, चलो मैं पूछूंगी किसी भी बच्चे से, कैसे बताओगे आप बनाकर पहाड़े, ठीक है, कैसे बताओगे आप मुझे, अच्छा सभी को मैं दिख पा रही हूँ क्या, सभी बच्चों को मैं दिख रही हूँ क्या, यस मैम, ओके ओके ठीक है बच्चे, यस मैम, ओके बच्चे, ओके, हाँ जी बच्चे, थैंक यू बच्चे, यस मैम, ठीक है बच्चे, मतलब दिख रही हूँ, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 11 का पहाड़ा मुझे सभी बच्चे बता चुके थे, हमने देख लिया था, चलो अब बढ़ते हैं 13 के पहाड़े पे, अगर मैं उसी रूल से जाऊं तो 13×6 क्या होता है, चैट सेशन में बता दीजिए सभी बच्चे, 13×6 क्या होगा, चैट सेक्शन में बताएंगे 13×6 क्या होगा,
चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आ रहा है आंसर, आ रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 78, 78, बिल्कुल सही। और अगर मैं पूछू तेरा निम्मा कितना होगा, तो तेरा निम्मा बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से बच्चे। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं एक तरीके से और, मुझे तेरा सत्य, अगर तेरा में बच्चे ने बताया 107, 117 है ना, अगर मुझे तेरा सत्य नहीं पता तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो 77 या 78 है, 78 के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 13 को और जोड़ सकते हैं, है ना, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम निकाल, हाँ 13 को हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना, तो यहाँ से भी हम एड 13 कर देंगे, तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा 13 सत्य कितना होगा, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, 13 सत्य हम वैसे भी निकाल सकते हैं, कितना होगा 13 सत्य जोड़ के बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में, बिल्कुल सही 91, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मुझे 13 8 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 13 और ऐड कर दूंगी इसके अंदर, है ना, 13 8 का बताइए कितना होगा, ऐड कर दूंगी, हाँ जी बिल्कुल सही, 104, बिल्कुल सही, बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। तो चलिए बच्चे, ऐसे ही 14 का पहाड़ा होगा और 15 का पहाड़ा होगा, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए 14 का पहाड़ा किस किस को आता है, जल्दी से लिख दीजिए 14 का पहाड़ा, सभी बच्चे लिखेंगे 14 का पहाड़ा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर इसकी भी पजल करेंगे सभी बच्चे, 14 का पहाड़ा लिख दीजिए जल्दी से। जाट साहब की आईडी से जो बच्चा है, बच्चा आपको नहीं आता है क्या 14 का पहाड़ा, बहुत सही, बहुत सही। चलो देख लेते हैं हम एक बार पहाड़े को, है ना, 14 का पहाड़ा देख लेते हैं। देखो 14 एकम 14, 14 दुनी 28, 14 3 42, 14 चौके 56, है ना, 14 पंजे 70, 14 6 84, 14 7 98, बिल्कुल सही बच्चे, 14 8 112, 14 9 126, 14 10 140, 140। हाँ जी, अब बच्चे देखिए, अगर हमें जैसे 14 निम्न में नहीं पता है क्या होता है ना, तो हमने क्या सीखा था, क्या कर सकते हैं, 10 + 14 लिख दो और 9 से गुना कर दो, फिर हम क्या करेंगे, अगर मेरे 9 की गुना तब 10 से करेंगे हमें मिलेगा 90 और 112, और फिर 9 की गुना जब हम 4 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, 36, 36। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अगर हमने जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 126, और देख लो 14 निम्न में 126 ही होता है, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, तरीका आपको आना चाहिए कि अगर मैं एकदम से आपसे पूछ लूं और आपको याद ना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। चलिए चलिए सभी बच्चे अब इस पजल को करते हैं, इन ए बी सी डी में से ऑप्शन देती हूँ मैं और आप मुझे इसके आंसर बताएंगे, ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे फिर, ठीक है। चलो 12 चौके जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए, ए बी सी डी, चैट में, चैट में, नियम भूल जाते हैं क्या मेरी क्लास के बच्चे, बार बार याद दिलाना पड़ता है सभी को। चलो चैट सेक्शन में बच्चे, चैट सेक्शन में, बेटा आपको स्पेशल बताऊं क्या, अभी हमने बोला ना कि चैट में लिखना है, बिल्कुल सही। चलो सेकंड का बताएंगे चैट सेक्शन में, 14 निम्न में अभी किया था, ये तो सभी को याद होगा, 14 निम्न, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, चैट में प्लीज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी बच्चे करेंगे आंसर, है ना, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो
तेरह सत्ते, चलो अगला देखते हैं, तेरह सत्ते 91। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चैट में आ रहे हैं आंसर, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है 91, बिल्कुल सही। अगला पंद्रह दिया, पंद्रह दिया, चैट में, चैट में जल्दी जल्दी सभी बच्चे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, चैट में आंसर 45, इनसे भी मुझे पता लग जाएगा कौन बच्चा सही आंसर करा। अभी आप बोल दोगे तो फिर मैं बाद में नहीं देख सकती आपका ना कि आपने क्या आंसर बताया, तो सभी बच्चे चैट में आंसर करेंगे। हाँ, ग्यारह छिका, अगला लास्ट वन, ग्यारह छिका 66, बिल्कुल सही, 66, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अगर सभी को सब समझ आ गया तो यस और लिख दो बेटा। No, कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं कुछ समझ आया हो तो वो नो लिख दो, फिर मैं उस बच्चे से पूछ लूंगी क्या नहीं समझ आया। हाँ जी, बिल्कुल सही, सभी को सब समझ आया है मतलब। बहुत बढ़िया, चलो अब आपकी स्क्रीन पर है ना, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन का सभी बच्चों को आंसर कहाँ देना है, चैट सेक्शन में जाकर नहीं देना है, पोल में जाकर देना है, ठीक है, पोल में आंसर करो जाओगे और वहां पर इसका आंसर करोगे, और जिस बच्चे का पोल नहीं चलेगा हम उसको बाद में चैट में दे देंगे, आंसर को देने देंगे उस, और ध्यान से पढ़ना है बेटा, बेटा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से पढ़ना है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर मैं 12 की गुना 5 से करती हूँ तो इन सारे ऑप्शन में से कौन सा सही है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, हमने बहुत पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप ध्यान से पढ़ोगे और आंसर अच्छा सा दोगे, सभी बच्चे देंगे, सभी बच्चे देंगे है ना, सभी बच्चे, और बच्चे, और बच्चे देंगे, आ नहीं रहा बच्चों आंसर, आधे बच्चों का आ रहा है आंसर। 12 की गुना मैं 5 से करूंगी तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ना, अगर मैं 12 की गुना 5 से करूंगी तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ जी, जाट साहब की आईडी से जो बच्चा है, बेटा कोई डाउट है क्या आपका, बार बार हाथ रेंज कर रेस कर रहे हो, हैंड रेस कर रहे हो, और बच्चे हैं आंसर देंगे, बेटा मैं वेट कर रही हूँ, आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, थोड़ा सोचो और आंसर करो है ना। 5 सेकेंड और देते हैं, ठीक है, थोड़ा सोच लो और फिर आंसर करो, सोच लो आंसर करो, सही विकल्प का चयन करें, 12 की गुना 5 से करेंगे तो ए बी सी डी में से कौन सा सही है। चलो 5 सेकेंड, 4 3 2 1, चलो चलो, अब जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया है पोल के अंदर, या जिनको नहीं पोल दिखाई दे रहा था है ना, तो वो बच्चे जाके चैट सेक्शन में आंसर कर दो है ना, कुछ बच्चों को पोल नहीं दिख रहा होगा, जल्दी से कर दो फिर हम डिस्कस करते हैं इसका आंसर। अच्छा चलो देख लेते हैं, आप बच्चे पता ही क्या है, आपने ना जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में ना सिर्फ इतना देखा कि 12 की गुना आप 5 से करोगे, तो आपको ये याद था कि मैम ने बताया था कि आपको क्या करना होता है, जोड़ से भी हम इसको निकाल सकते हैं ऐड करके, तो आपने सोचा कि 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 5 बार 12 कर दूंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो बिल्कुल सही भी है, तो पहला तो सही है, ठीक है, फिर आपने देखा बी ऑप्शन क्या है कि 12 के गुना 5 से करो या 5 की गुना 12 से करो, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 12 बार जमा कर दो, उसका मतलब भी सही होगा आंसर है ना, इसका मतलब भी सही होगा, ठीक है, तो मतलब बी भी सही है, ठीक है। फिर अभी मैम ने बताया कि आप किसी भी पहाड़े को ना ऐसे भी कर सकते हो, क्या कि अगर 12 है तो आप इसको 10+2 लिख दो। हाँ जी बच्चे, आपका आंसर ठीक है, ठीक है,
अगर आप 10 का 10 प्लस 2 लिख दो और उसे 5 से गुना कर दो तो आप क्या करोगे, 10 की 5 से करोगे गुना और 10 की 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 50 प्लस 10। तो आप यहां से भी लिख दोगे क्या आएगा आंसर, यहां से भी आपका सही है, तो यानी कि सी भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सारे ही आंसर सही है, यानी कि डी जो ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी वो करेक्ट है ना। कुछ बच्चों ने जल्दी जल्दी के चक्कर में ए ऑप्शन देखा, अच्छा मैम ने बताया था जोड़ होता है, चलो जोड़ वाला सही है, तो आपने ए आंसर कर दिया। ठीक है, तो हम जब भी आंसर करने जाते हैं तो पहले सारे ऑप्शन भी देखो। हाँ बहुत अच्छी बात है, हाँ बट बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था डी, बहुत सारे बच्चों ने एक बार में आंसर दिया था सही डी, बट कोई बात नहीं, अब आपको आगे के लिए हमेशा याद रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, है ना। चलो अब आपकी स्क्रीन पे, हाँ गुड बच्चे, गुड गुड गुड, अगर आपने सभी चेक करके दिया तो गुड। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेम इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल में जाकर पोल में आंसर करना है, ठीक है। क्या है आपका सही विकल्प का चयन करें, 15 की गुना 8 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 की गुना 8 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा, पहले अपनी नोटबुक कॉपी के अंदर करो, कॉपी में लिखो आपको जो सा ऑप्शन सही लगता है, फिर उसका आंसर आप जाके कहाँ करो, पोल में, तीन डॉट पे क्लिक करो, एक्टिविटीज में जाओ और एक्टिविटीज में जाके पोल में जाके आंसर कर दो। अब तक तो सभी बच्चों को पोल आ ही गया होगा, अगर कोई बच्चा रहता है जिसको नहीं समझ आता पोल कैसे करना है तो आप क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जाट साहब की आईडी से जो भी बच्चा है बेटा अपने आपको म्यूट रखो, अगर आपका एक दो बार फिर हुआ मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, और ये सभी बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, सभी बच्चों के लिए है ये। और भी करेंगे बच्चे, सभी का आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, और जल्दी आंसर करो बेटा, अभी आए नहीं है, नाम नहीं लेना चाहती, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी बच्चे। चलो 5 सेकेंड और, 4 3 2 1। चलिए अब जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया था या नहीं दिख रहे थे पोल, चैट सेक्शन में जाके आंसर कर दो जल्दी से, चैट सेक्शन में आंसर कर दो कौन सा आंसर है आपके अकॉर्डिंग, फिर हम देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी तो 15 की गुना 8 से करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, आपको अगर नहीं याद है आप क्या करोगे, 10 प्लस 5 लिख दो, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, और फिर क्या करो 8 की गुना 10 से कर दो, क्योंकि सबको पता है 10 की गुना से, 10 से किसी भी नंबर को गुना करना सभी बच्चों को आता है, और 8 की गुना 5 से कर दो, तो आप जब इसके गुना करोगे 8 की गुना 10 से तो आपको मिलेगा 80 प्लस 8 पंजे 40, तो यहां से आप जब दोनों को ऐड करोगे जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 120 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है, जिस बच्ची ने भी आंसर सी किया था वो बिल्कुल करेक्ट था। बेटा आप लोग हैंड रेज क्यों कर रहे हो, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, कोई क्वेश्चन है क्या किसी को? नो मैम। बेटा फिर आप हैंड रेज क्यों कर रहे हो, ऐसे मुझे पता नहीं लगेगा ना अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो। गुड गुड, आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। नो मैम। अच्छा बच्चे ठीक है बच्चे, फिर नियम भूल गए, नियम भूलने नहीं है बेटा, चैट सेक्शन में है ना। चलो मतलब जिन बच्चों ने भी आंसर सही किए थे ना, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात है कि उनको समझ भी आ रहा है और उन्हें याद है, ठीक है। और कुछ बच्चों ने अगर नहीं आंसर सही किए हैं बेटा तो आप देख लो आपने कहाँ गड़बड़ की है, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं आगे के पहाड़े, है ना।
आगे के पहाड़े कहाँ के? 16 से 20। चलो जल्दी से बता दीजिए, क्या सभी को 16 से 20 तक के पहाड़े याद है? अगर याद है तो यस टाइप कर दो, अगर नहीं याद है तो नो टाइप कर दो, जल्दी से। यस मैम। चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में। ओके ओके, अच्छा, मतलब बहुत सारे बच्चों को याद है। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिन्हें नहीं याद है। तो बेटा आपको याद नहीं है तो एक तो याद भी याद कर लेना, और दूसरा आप कैसे कर सकते हो वो हमने देखा ही है। ठीक है? नो मैम, बहुत बच्चों ने नहीं बोला है जिनको याद नहीं है। अच्छा नरेश, नरेश की आईडी से पूछना। हाँ नरेश की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आप अपने आपको जरा अनम्यूट करना। हाँ जी बेटा, अपने आपको अनम्यूट करना जरा, क्योंकि आपने, हाँ आपको याद है क्या? यस मैम। क्योंकि आप, हाँ चलो, 16 का पहाड़ा आप ही बताओ मुझे। 16 एकम 16, 16 दुनी 32, 16 ती 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छके 96, 16 सत्ता 112, 16 अट्ठा 128, 16 निम्मे 144, 16 नुंदा 160। 16 निम्मे, 16 निम्मे 144। ओके, 16 दा 160। गुड। अच्छा कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या नरेश की आईडी से जो बच्चा था उन्होंने सही बताया नहीं? कौन बच्चा बताएगा? यस मैम। यस मैम। गुड। यस मैम। यस मैम। चैट में बेटा, चैट में, चैट में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल सही। गुड बच्चे, गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज हमने देखा था क्या कि अगर, यस यस बिल्कुल सही, गुड बच्चे, शाबाश। ठीक है, अब देख लेते हैं बेटा, अगर हमें पहाड़ा याद नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज में ये लिखा है कि नहीं याद है मैम, और होता है कई बार हमें याद नहीं होता, पहले तो बेटा कोशिश करनी चाहिए कि याद कर लो, क्योंकि 20 तक बच्चों को पहाड़े याद होने ही चाहिए। तो उससे क्या होता है, आप जब सॉल्व करते हो ना क्वेश्चन गणित में, तो आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो हमने देखो हमारा रूल पता है ना, 16 एकम 16, 16 दूनी क्या होगा, एक तो आप ऐड करके जोड़ के भी कर सकते हो कि 16 इसमें जोड़ दो तो आपको पता है क्या आएगा, 32। और क्या कर सकते हैं हम अपना रूल यूज कर सकते हैं, पहाड़े बना सकते हैं। कैसे? 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10+6 है ना, और इसे 2 से गुना कर दू, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 2 की गुना 10 से कर रही हूँ और 2 की गुना 6 से कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर जब 2 से कर रहे हैं तो मुझे 10 की गुना 2 से करेंगे कितना मिलेगा, 20, प्लस 6 की गुना 2 से 6 दूनी 12। ठीक है, तो अब मैं 20 और 2 12 को जोड़ दूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 32। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मिल गया 32। चलो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया या नहीं समझ आया? Yes, ma'am. बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो सभी बच्चे, yes, ma'am. अभी सब बच्चे होमवर्क सुनेंगे आप लोगों का। ठीक है, होमवर्क क्या है, सभी बच्चे, yes, ma'am. सभी बच्चे 16 से 20 तक के पहाड़े, 16 से 20 तक के पहाड़े याद करके आओगे, और नहीं याद है आपको तो आप बनाने की कोशिश भी करोगे। ठीक है, ऐसे, yes, इस रूल से सभी बच्चे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस रूल से हम क्या करेंगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे बनता है स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, तो आपको याद रहेगा कि कैसे बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और होमवर्क क्या है आपका, याद रखना है 16 से 20। तो मैंने जैसे आज किसी भी बच्चे से पूछा ना पहाड़ा, ऐसे ही अगली क्लास में किसी भी बच्चे से पूछ लूंगी मैं। ठीक है, यस यस। चलो आज की क्लास में, आज की क्लास हमको हम यहीं तक रखेंगे। अब मुझे ये बता दीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नो मैम। अच्छा, किसी को भी कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। गुड गुड। ओके मैम, गुड इवनिंग, बाय। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, सही शॉट हो गया। गुड इवनिंग मैम। Yes, ma'am. सभी को पता लग गया होगा? Yes, ma'am.